मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में निधन। बेटे ने जानकारी दी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन का इलाज चल रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। अशोक गहलोत ने दावा किया कि सरकार गिराने के लिए उनके खिलाफ 8 महीने से साजिश की जा रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे होटल का बिल हमारी पार्टी देगी, लेकिन सचिन पायलट समर्थकों के होटल का बिल कौन देगा। गहलोत ने कहा, पायलट पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो पार्टी तोड़ने में लगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लीगल नोटिस की धमकी दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फारूक अब्दुल्ला या उनकी रिहाई से कोई लेना देना नहीं। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में त्रिवेणी संगम के जल का उपयोग किया जाएगा। संगम जल लाने की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद को दी गई है। जल को किसी रथ पर रखकर प्रयागराज में शोभा यात्रा की भी बात चल रही है। शिवसेना ने कहा कि राम मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं राम जन्मभूमि पर होने वाले भूमि पूजन पर संजय राउत ने कहा कि अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उद्धव ठाकरे इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं। इस महीने के अंत तक फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमान भारत पहुंच जाएंगे। ये लड़ाकू विमान 29 जुलाई को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल होंगे। अगस्त के तीसरे हफ्ते में रफाल को वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल करने के लिए समारोह होगा। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने संसद के मानसून सत्र की संभावनाओं पर बात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों के अधिकारियों से कहा गया कि इसे लेकर तैयारी करें। राज्यसभा चुनाव जीतने वाले 62 सांसद 22 जुलाई को शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में आतंकी फंडिंग के मॉड्यूल का खुलासा किया है। लश्कर ए तैयबा के आतंकी जम्मू में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। पुलिस ने जम्मू से मुबाशिर भट्ट नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया। उसने आतंकियों को मदद के लिए पैसे लेने की बात कबूली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण के पहले चरण के सफल होने का दावा किया। दावे के मुताबिक 23 अप्रैल से 21 मई के बीच ट्रायल हुआ। इनका कहना है कि 1077 लोगों पर ये परीक्षण किए गए, उन सभी में 28 दिन के अंदर एंटीबॉडीज बन गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर 23 बेहतरीन प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अभी टीके के लिए लंबा सफर करना बाकी है। WHO इमरजेंसी प्रोग्राम के अध्यक्ष ने कहा कि सभी परीक्षण पहले चरण में। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11 लाख से ज्यादा हो गई। पिछली बार 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 40,000 से ज्यादा नए केस मिले। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं आई है। दिल्ली में 27 मई के बाद पहली बार 24 घंटे में 1,000 से कम मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 954 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। इस दौरान 1,784 मरीज ठीक हुए और 35 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए मरीजों का रिकवरी रेट 84.78% हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग घर पर ही रहकर इलाज करा सकेंगे। मरीज और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 3,18,695 हो गए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 8,240 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 176 मौतें हुई। महाराष्ट्र में अब तक 1,75,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,02,423 हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 41 मौतें हुई। कोरोना से अब तक 5,755 मौतें हो चुकी हैं। वहीं धारावी में 24 घंटे में 12 नए केस सामने आए। असम में बाढ़ और बारिश की वजह से 111 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ के इलाकों का दौरा किया। प्रभावित इलाकों में राहत का काम तेजी से कर दिया गया है। उत्तर बिहार से सटे नेपाल में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सीमा के इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच एक एम्बुलेंस बाढ़ में फंस गई। काफी कोशिशों के बाद एम्बुलेंस को निकाला जा सका। त्रिशूली नदी में 3 लोग बीच धार में फंस गए। बचाव दल ने इन्हें बचाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिलाधिकारियों को गंडक नदी को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण जिलों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। सोनीपत पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम मशीन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार 4 आरोपी दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये एटीएम मशीन का क्लोन बनाकर वारदातों को अंजाम देते थे। सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। अगर यात्रा होती है तो श्रद्धालु छोटे बालटाल मार्ग से बर्फानी बाबा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहां रक्षाबंधन के दिन छड़ी पूजन के साथ अंतिम दर्शन किए जाएंगे और उसके साथ ही इस यात्रा को समाप्त भी कर दिया जाएगा। दुनिया में फैली कोरोना महामारी की वजह से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की नई तारीख भी घोषित कर दी गई। अब टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा।